पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। उत्तर भारत में मराठा शक्ति इस लड़ाई के बाद खत्म होने लगी थी। अहमद शाह अब्दाली, जो कि भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था, इससे पहले भी 1757 में उसने भारत पर आक्रमण किया था। इस हमले में अब्दाली ने दिल्ली, मथुरा और आगरा में जबरदस्त लूट मचाई थी। कहा जाता है कि उस समय यमुना का पानी कई दिनों तक लाल रहा था। मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय तक पूरे भारत में अपना अधिकार कर चुके थे, फिर भी पानीपत की लड़ाई में वो अहमद शाह अब्दाली से कैसे हार गए? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 10 कारण जिनकी वजह से पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार हुई थी। लेकिन ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुजाउद्दौला ने दिया था धोखा। मराठा अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपना मित्र मानते थे। मराठाओं को लगा था कि शुजाउद्दौला युद्ध में अफगानों का साथ कभी नहीं देगा, क्योंकि वो एक सिया मुस्लिम था। इसलिए अब्दाली के साथ युद्ध में वो सुन्नी अफगानियों का साथ नहीं दे सकता। इसके अलावा शुजाउद्दौला के पास 50,000 घुड़सवारों की एक बड़ी सेना भी थी। इसीलिए सदाशिवराव भाऊ शुजाउद्दौला पर विश्वास करते थे। मराठाओं ने शुजाउद्दौला पर इतना विश्वास किया कि उन्होंने अपने मित्र सूरजमल को भी नाराज कर दिया था। अंत में शुजाउद्दौला ने मराठों को धोखा दे दिया और वो जाकर अब्दाली के साथ मिल गया। शुजाउद्दौला का धोखा इस लड़ाई में मराठों की हार का एक बड़ा कारण बना था। मौसम। दिल्ली की सर्दी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। दिल्ली के मुकाबले महाराष्ट्र का मौसम बड़ा अलग रहता है। कहा जाता है कि दिल्ली के पास पानीपत का सर्दियों का मौसम भी मराठों की हार का बड़ा कारण बना था। अहमद शाह अब्दाली की सेना पंजाब के काफ़ी हिस्सों पर अपना अधिकार कर चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ के मौसम से परिचित थे। लेकिन मराठों के लिए इतनी सर्दी में युद्ध लड़ना आसान नहीं था, जिसकी वजह से मराठा इस लड़ाई में हार गए। पर जो साम्राज्य पूरे भारत पर अपना अधिकार कर चुका हो और उसके सैनिकों के पास सर्दी के मौसम में पहनने के कपड़े ना हों, तो ये थोड़ा अजीब लगता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या मौसम मराठों की हार का कारण बना था? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अहमद शाह अब्दाली की कुशल रणनीति। अहमद शाह अब्दाली भारत के लिए हमेशा ही एक बड़ा आक्रमणकारी रहेगा, लेकिन वो एक कुशल रणनीतिकार और मिलिट्री कमांडर था। मराठा, हिंदू और भारत के लोग उसे गालियां दे सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के अनुसार उसने भारत को लूटा ही था। उससे बेहतर मुगल थे, जिनमें से कुछ बादशाहों ने हमारी धरती के लोगों को अपना समझा था। लेकिन अब्दाली भारत में रहने के इरादे से नहीं, बल्कि सिर्फ लूट और बदले की भावना से आया था। पर अफगानिस्तान के लोग उसे किसी करिश्माई व्यक्ति से कम नहीं समझते। उसे अफगानिस्तान में बाबाए कौम यानी फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली की पूरी कहानी आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसने मराठों से लड़ने के लिए भारत में अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया था, इसीलिए मुगलों और रहिल्लाज ने उसका साथ दिया और मराठों की इस जंग में हार हुई थी। परिवार को साथ लाने का फैसला। विश्वास पाटिल, जिन्होंने पानीपत पर मराठी में एक किताब लिखी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनके अनुसार जब बाजीराव और मस्तानी का प्रेम प्रकरण हुआ था, उसके बाद से बाजीराव की माताजी ने फैसला लिया था कि जब भी सेना बाहर लड़ने के लिए जाएगी तो उनके साथ उनका परिवार भी जाएगा, क्योंकि मराठा सैनिक 7 से 8 महीने तक घर से दूर रहते थे। इसीलिए इस लड़ाई में मराठा सैनिक अपने परिवारों के साथ आए थे। लड़ाई के समय बहुत ज़्यादा सैनिक इन परिवारों को संभालने और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में लगे हुए थे। साथ ही मराठों के पास भोजन की कमी थी, जो कि परिवारों को साथ लाने की वजह से और भी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मराठों की हार हुई। किसी ने नहीं दिया मराठों का साथ। पानीपत की लड़ाई के समय भारत में मराठों की शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी, इसी वजह से वो उत्तर भारत के इलाकों में अपना अधिकार करने लगे थे। इस वजह से उत्तर भारत के छोटे छोटे राजा उनके विरुद्ध थे। उत्तर भारत के हिंदू राजा जानते थे कि अगर इस लड़ाई में अब्दाली की जीत होती है तो वो जीतकर वापस अफगानिस्तान चला जाएगा, जबकि अगर मराठा इस युद्ध में जीत गए
तो वो उत्तर भारत में राज करने लगेंगे। इस कारण आसपास के इलाकों के राजाओं ने मराठों का साथ नहीं दिया। ये भी माना जाता है कि सदाशिवराव भाऊ इस लड़ाई में अपनी जीत को लेकर कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त थे, जिस कारण उन्होंने किसी का साथ नहीं लिया। इस तरह किसी का साथ ना लेना मराठों की हार का एक बड़ा कारण बना था। शासन की विफलता। मराठों का पूरा ध्यान बस अपना साम्राज्य का विस्तार करने पर था, इसीलिए वो लगातार राजाओं और क्षेत्रों को अपने अधीन करते जा रहे थे। लेकिन जो भी प्रदेश वो जीत रहे थे उनका ध्यान केवल वहाँ से धन इकट्ठा करने पर ही था। वहाँ किस प्रकार व्यवस्था को कायम किया जाए इसमें वो विफल रहे, जिसकी वजह से उन प्रदेशों की जनता मराठाओं के खिलाफ हो गई थी। राज्यों में बढ़ती लूट खसोट से परेशान लोगों ने युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया। युद्ध नीति। मराठे छापामार युद्ध में निपुण थे, उनमें मैदानी लड़ाई का अनुभव और कुशलता नहीं थी। बहुत से मराठा जैसे होलकर और सिंधिया गुरिल्ला युद्ध नीति के पक्ष में थे। जाट राजा सूरजमल ने भी मराठों को अब्दाली से छापामार युद्ध लड़ने की सलाह दी थी, जबकि सदाशिवराव भाऊ और इब्राहिम खान गर्दी मैदानी लड़ाई और युद्ध में तोपों के प्रयोग को लेकर उत्साहित थे। कुशल सैनिकों की कमी और आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से इस लड़ाई में मराठों की हार हुई थी। भोजन की कमी। इस लड़ाई में मराठों की हार की एक बड़ी वजह भोजन की कमी थी। मराठों को दिल्ली से भोजन की सप्लाई हो रही थी और अब्दाली यमुना नदी के उस पार था। अब्दाली ने साहसिक कदम उठाते हुए बागपथ में यमुना को पार कर लिया। इससे अब्दाली ने मराठा सेना का दिल्ली से संपर्क तोड़ दिया, जबकि अब्दाली की अफगान सेना यमुना नदी के पास थी, जिस वजह से उसकी सेना वहां आलू और दूसरी फसलें उगाकर महीनों तक गुजारा कर सकती थी, जबकि मराठा सैनिकों तक कोई भी राशन नहीं पहुंच रहा था। भोजन की कमी भी मराठों की हार का एक बड़ा कारण बनी थी। महाराजा सूरजमल। पानीपत की लड़ाई में अगर सूरजमल की बात ना की जाए तो ये कहानी अधूरी ही रहेगी। महाराजा सूरजमल मराठों के साथ थे। जब 1 अगस्त 1760 को मराठा सेना दिल्ली पहुंची, तो उन्होंने सूरजमल और इमादुल मुल्क के साथ मिलकर दिल्ली से अफगानियों को खदेड़ दिया था। लेकिन बाद में दिल्ली के तख्त पर बैठने को लेकर सूरजमल और सदाशिवराव भाऊ में कलह हो गई। महाराजा सूरजमल ने मराठों को गर्मी में युद्ध लड़ने और छापामार युद्ध लड़ने की सलाह भी दी थी। पानीपत मूवी में तो महाराजा सूरजमल को लालची राजा भी बताया गया। क्या सूरजमल सच में लालची राजा थे या फिल्म में जो दिखाया गया वो गलत था? सूरजमल की पूरी कहानी आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सूरजमल का मराठों का साथ छोड़ना मराठों की हार का एक बड़ा कारण बना था। सदाशिवराव भाऊ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। सदाशिव की बहादुरी पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन कूटनीति के मामले में वो विफल रहे। युद्ध में जहां दुश्मनों को भी साथ मिला लिया जाता है, वहीं सदाशिवराव भाऊ दोस्तों को भी अपने साथ मिलाने में विफल रहे थे। वो मराठा सेना के सेनापति थे, इसीलिए इस हार में उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। सदाशिवराव ने इस लड़ाई में अहंकार का भी परिचय दिया था। उन्हें लगा कि वो आसानी से अब्दाली की सेना को हरा देंगे, लेकिन उनका ये सोचना गलत साबित हुआ। युद्ध के मैदान में उनकी भावुकता भी मराठा सेना की हार का कारण बनी। युद्ध में विश्वास राव को गोली लग गई थी, जिसके बाद भाऊ भावुक हो गए और अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर अफगानी सेना की ओर बढ़ गए। लड़ाई में सदाशिव को हाथी पर ना देखकर मराठा सेना में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। इस तरह इन 10 कारणों की वजह से मराठा सैनिक इस लड़ाई में हार गए। लड़ाई के बाद अब्दाली ने भारी कत्लेआम मचाया और बहुत से मराठा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत लोगों को बंदी बनाकर अब्दाली अपने साथ भी ले गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से मराठों की इस लड़ाई में हार हुई थी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही आप YouTube नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।